गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। सैफई स्थित उनके पैतृक आवास पर जाकर अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मंगलवार को सैफई में राजकीय सम्मान के साथ होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी भी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। जनपद के 154 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। राप्ती नदी व घाघरा नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर। जिलाधिकारी ने कहा बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री का करवाया जा रहा है वितरण। गांव में लोगों के आने जाने के लिए लगवाया गया है नावें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। सपाइयों ने कहा नेताजी के निधन से हम लोगों को लगा है सदमा। उनका जाना हम लोगों के लिए है बहुत बड़ी क्षति। घर में घुसकर मोबाइल व घड़ी चुराने वाले अभियुक्त वीरू उर्फ शेरू निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का मोबाइल व घड़ी किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को बड़हलगंज थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में नाव पलटने से 2 व्यक्तियों की डूबने से हुई मौत। जिला प्रशासन मृतक दोनों व्यक्तियों के परिजनों को उपलब्ध करवा रहा है 4 लाख की सहायता राशि। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। दान पात्र की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों राधेश्याम यादव व धीरज विश्वकर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,565 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा कि यह देश की है बहुत बड़ी क्षति। नए युवा नेताओं को स्वर्गीय मुलायम सिंह के कार्यों से लेना चाहिए सीख। अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्त दीपू पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब व 400 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय गोष्ठी का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने कहा हमारे सामाजिक संबंधों के टूटने की वजह से हो रही है मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए करना चाहिए व्यायाम। और जनपद में लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से नदी में न जाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर निधन हो गया। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की और उनके सैफई स्थित पैतृक आवास पर जाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स बधाया। मंगलवार को मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैफई में होगा। अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सीएम योगी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हम
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से सर्वे मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सिफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि बाढ़ को देखते हुए सभी अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। राप्ती नदी, घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा हो गया है। 154 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है और जिन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने वाला है वहां मुनादी करवाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था की गई है और जिन लोगों का घर बाढ़ के पानी में डूब गया है उनको सुरक्षित स्थान पर
पहुंचाया गया है। लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। अगर कहीं से भी किसी तरह की स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, अभी अगले दो दिन हम लोग को थोड़ा सा विजिलेंट ज़्यादा रहना है, तो सभी अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। स्पेशली जो राप्ती नदी है, घाघरा नदी है, इन दोनों का लेवल जल स्तर जो है ये खतरे के निशान से ऊपर है, और हम लोग रेगुलरली विजिलेंट हैं। जो नियर बाय विलेजेस हैं, जो हमारे 154 गाँव हैं जो लो लाइन हैं, उन सब का वहाँ पे सभी जगह मुनादी कराया गया है। जो अप्रोच रोड जहाँ पे हम लोग काम करा सकते हैं वहाँ काम कराया गया है। इसके अतिरिक्त नाव की व्यवस्था कराने की तैयारी की जा रही है। काफ़ी जगह ऑलरेडी उपलब्ध है और उसको फंक्शनल भी किया जा रहा है। बाकी फूड पैकेट्स, राशन भी, जितने ये चारा सब का व्यवस्था किया जा रहा है। अगर ऐसी कुछ अप्रिय स्थिति आती है तो उसके लिए पूरी तैयारी है। जहाँ पे गया है वहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट खासकर गोला और खजनी क्षेत्र में जितने भी गांव हैं वहाँ पे नाव की व्यवस्था भी कराई जा रही है। इसके अलावा जो राहत केंद्र है उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है। जहाँ बंधा के किनारे हाई लेवल एरियाज हैं, जहाँ पे जनरली लोग जाना प्रेफर भी करते हैं, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। तो एज पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर निधन हो गया, जिसके संबंध में सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि नेताजी के निधन से हम लोगों को सदमा लगा है। जब सुबह समाचार मिला तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब पार्टी के द्वारा सूचना मिली तो क्लियर हो गया। नेताजी हम लोगों के लिए भगवान स्वरूप थे, वह हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। जनपद के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सैफई जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को आगे बढ़ाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आगे की लड़ाई लड़ने की शक्ति दे। उनका जाना समाजवादियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राम सिंह ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सच्चिदानंद जी, नेताजी गरीबों, मजलूमों और असहायों, दबे कुचले के भगवान थे। उनकी लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। कोई गरीब असहाय कहीं रास्ते में भी दिखाई देते था तो उसकी मदद करते थे। वो साक्षात भगवान थे। आज बेटा मेरा फेसबुक देखा, बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। हमको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैं जब ट्विटर पर फिर कहा ट्विटर पर देखो, ट्विटर पर देखा तो मैं कार्यालय आया और दो एक लोगों से बात किया, जिले के बड़े नेताओं से, तो लोगों ने कहा कि हाँ ये घटना घट गई है, तो मैं कार्यालय चलाया। मोहम्मद हसन, नगर सचिव समाजवादी पार्टी। आज हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव, देश के रक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है, हमारे समाजवादी पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को हम कभी भरपाई नहीं कर सकते। आज एक युग का अंत हो गया है, बड़ा ही दिल रो रहा है, अत्यंत मार्मिक दिन है आज। हम लोग 8:30 करीब में ये सूचना मिली है और पूरे कार्यालय पर धीरे धीरे फैल गया। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक का जो है निधन हो गया, बड़ा ही मार्मिक दिन है। हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से, सभी समाजवादियों को ये देना चाहते हैं कि आने वाला दिनों फिर माननीय राष्ट्रीय संरक्षक के उसमें हम लोग लखनऊ जाके, या क्या नाम है, इटावा जाके अपने उसका अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, नेताजी का निधन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा रहा। सुबह ये समाचार प्राप्त होने के बाद हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था।
सभी सूत्रों से कंफर्म करने के बाद ही हम लोग विश्वास हुआ, हम लोग उनके इस अपने आज जो अभिभावक हम लोग के लिए तो भगवान स्वरूप थे, हम लोगों के बीच नहीं रहे और हम लोग आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने निकल रहे हैं। सारा हमारे समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग यही उम्मीद करेंगे उनका आशीर्वाद हम लोगों को आजीवन आगे बढ़ाए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी को इतनी शक्ति दे कि हम लोग उनके नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ सकें। बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी। श्री मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। एक साधारण कृषक परिवार में इनके पिताजी सुधर सिंह और पांच भाई थे और इनकी एक छोटी बहन थी, सबसे छोटी बहन थी। और यह राजनीति में पहले तो यह विद्यार्थी थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और विद्यार्थी जीवन में ही कुश्ती का शौक इनके पिताजी को था और यह कुश्ती एक अच्छा पहलवान बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव जब आगरा कॉलेज में गए तो वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष बने, अच्छी पढ़ाई पढ़े। उनकी पढ़ाई और उनकी प्रखरता को देख करके इन्हें इंटर कॉलेज में अध्यापक बनाया गया और अध्यापक पहले खेल कूद के अध्यापक हुए, बाद में राजनीति शास्त्र के अध्यापक हुए। श्री मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में आए तो इनके साथी मास्टर साहब थे जो बड़े नेता थे और सफाई से बराबर MLA हुआ करते थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इनके बुद्धि को देख करते, इनके मेहनत और परिश्रम को देख करके उन्होंने अपनी सीट खाली करके सन 1967 में पहली बार इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। विधानसभा में 1967 में ही जो चुनाव लड़े, पहली बार में ही यह चुनाव जीत गए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह 8 बार MLA और 1 बार MLC रहे हैं और भारतीय संसद में 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं और केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री थे। विशेष बात है कि मुलायम सिंह फौज खड़ा करना जानते थे। वो बराबर यह कहते थे संघर्ष से ही कुछ मिलेगा। संघर्ष उनका एक जीवन था, बराबर संघर्ष के लिए निकल पड़ते थे। साधारण परिवार के होने के बावजूद बड़े बड़े लोगों को परिवार को जोड़े थे और अपने मित्रों के माध्यम से यह देश की राजनीति में ये साबित कर दिए कि सबका सबको साथ लेकर के, सभी जातियों को लेकर के, सभी धर्म के लोगों को लेकर के, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के भारत की राजनीति किया जा सकता है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके यह प्रिय नेता थे और व्यक्तिगत रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता जो भी लोग जानते हैं इन्हें, ये मानते हैं कि ये कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करते थे, सबके साथ मिलजुल करके विकास के प्रति इनकी रुचि थी। छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, हरिजन को, गिरजन को, सबके प्रति इनकी हमदर्दी थी। ये चाहते थे देश और प्रदेश विकास करे और सबका सम्मान हो, सबका मतलब किसी का अनादर न हो। और जो भी व्यक्ति आज तक इनके पास पहुंचा होगा, सब लोग जानते हैं कि कभी भी निराश होकर के नहीं लौटा है। हम तो उनके पार्टी से करीब 50 साल से उनके साथ जुड़े थे और 1900 जब इन्होंने 92 में समाजवादी पार्टी बनाई, उस स्थापना काल से आज तक हम भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हम माननीय अखिलेश यादव जी को कहना चाहते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह के मार्गदर्शन पर और उनके साथियों को देखते हुए उन्हें भी उनके रास्ते पर चलने का काम करना चाहिए। मुलायम सिंह के एक बाएं हाथ अगर जनेश्वर मिश्रा रहते थे तो दाहिने हाथ बेनी प्रसाद वर्मा रहते थे, सामने रमाशंकर कौशिक रहते थे तो कहीं रेवती रमण सिंह रहते थे, कहीं ब्रजभूषण तिवारी रहते थे, कहीं मोहन सिंह रहते थे। हर जात हर धर्म को वह सम्मान देते थे, सबका आदर करते थे। सबको देश के लोगों को मालूम है कि काशीराम जी को पहली बार अपनी सीट, मतलब अपने इटावा इलाके की सीट
काशीराम को ले जा करके चुनाव लड़ाए और भारतीय राजनीति में लोकसभा में उनको पहली बार श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा था और मायावती जी से भी उन्होंने समझौता किया था काशीराम जी के कहने पर और बाद में सरकार भी उनके नेतृत्व में बनी, लेकिन कुछ कारणवश वह सरकार नहीं चल पाई। क्या कारण था आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके मुलायम सिंह की सरकार को गिरा दिया और एक बितंगाबाद खड़ा कर दिया। फिर भी हम लोगों का चूंकि व्यक्तिगत रिश्ता था, हम उनके साथ जेल में भी रहे हैं, बनारस जेल में रहे हैं, लखनऊ जेल में रहे हैं, हम उनके साथ जेल में भी रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन इतना उनका चरित्रवान था, इतना वह निर्मल स्वभाव के थे कि जब जेल में जब तक सब लोग चाय नहीं पी लेते थे तब तक वो चाय भी नहीं पीते थे। खाने पीने में साधारण ढंग से रोटी दाल चावल वो बराबर पसंद करते थे, साधारण खाना खाते थे, साधारण परिवार में पैदा होने के नाते साधारण भोजन भी करते थे, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, विद्यार्थी जीवन में कुशाग्र बुद्धि थे, पढ़ाई लिखाई का बड़ा सम्मान करते थे। हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जब बेटियों को सम्मान दिया मुख्यमंत्री होने के बाद, जब बेटियां क्लासों में नहीं जाती थी, स्कूलों में नहीं जाती थी, साइकिल दे करके, प्रोत्साहन दे करके, रुपया दे करके, उन्होंने ऐसा जन सैलाब खड़ा कर दिया कि प्रदेश की लड़कियां स्कूलों में जाने लगी और लड़कियां स्कूलों में जाने ही नहीं लगी, अच्छा रैंक भी हासिल करने लगे। हमें याद है कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को वेदना थी कि उत्तर प्रदेश के लड़के पीसीएस में ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। उसका कारण उन्होंने अध्ययन किया, कारण यह था कि यहाँ अंग्रेजी अनिवार्य था, पीसीएस के ऊंची परीक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य था, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। उस समय जब ख़त्म किया था तो करीब करीब 72-73% लड़के, पूर्वांचल के लड़के पीसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। अपने जीवन काल में इन्होंने सोचा था कि जब तक मेरा चलेगा अस्पतालों में 1 रुपया से ज़्यादा, कभी भी किसी भी मरीज का 1 रुपया से ज़्यादा पर्चा का पैसा नहीं लगेगा। एक बार उन्होंने 89 में जब चीफ मिनिस्टर थे तब 1 रुपया पर्चा का पैसा कर दिए। बाद में दूसरी सरकारें जब आई, भाजपा और बसपा की सरकारें आईं, उन्होंने फिर 5 रुपया कर दिया। फिर मुख्यमंत्री जो ही हुए तब उसके बाद तुरंत उन्होंने उसका 1 रुपया रोगियों को दिखाने के लिए शुल्क रखे। इनका शिक्षा पर भी पैनी दृष्टि थी, इनका वकीलों के प्रति बड़ा ही उदार भाव था वकीलों के लिए। यह जब मुझे याद है कि एक बार यह गए थे आजमगढ़ में वकीलों के बीच में भाषण करना था, उसी बीच बारिश आ गई, नेताजी भी भीगने लगे, वकील लोग भीगने लगे और वह जो छप्पर और छाया बनाया रहता है उसे पानी आने लगा। तो वहीं वकीलों के बीच में कहे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरा पहला काम होगा सभी मुख्तार खाने में हम वकीलों के लिए सेट की व्यवस्था कराएंगे, वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था कराएंगे। मैं आदरणीय नेताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी वह कहते थे वचन के इतने पक्के थे, कभी भी अपने वचन को अगर कुछ कह देते तो उसको निर्वाह करने की कोशिश करते थे। नेताजी के प्रति कार्यकर्ता इतने समर्पित थे कि आप देखे होंगे अभी वेदांता में थे, सैकड़ों लड़के वहाँ पहुँच करके ये निवेदन कर रहे थे कि हमारा किडनी ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, नेताजी की ज़िंदगी किसी तरह से बचाइए। आज आप देखे होंगे पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए रो रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर ऐसा नेता आज भारतीय राजनीति में पैदा नहीं होगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आदरणीय नेताजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारा भाव, हमारा लगाव उनसे 50 साल का था जब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, जब लोक दल में थे, जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, या आज जब स्वयं अपना दल बनाए, स्थापना काल से उनके साथ थे, हैं, और उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। ईश्वर उनको स्वर्ग में भी स्थान दें, उनके आत्मा को शांति मिले और आपके माध्यम से उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को, उनको मित्रों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि यह कष्ट सहन करने के लिए सबको ताकत दें। धन्यवाद। कैन
नारायण थाने की पुलिस ने घर में घुसकर मोबाइल व घड़ी चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान वीरू उर्फ शेरू निषाद निवासी मंटेश्वरी गली उत्तरी मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का एक मोबाइल व घड़ी बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, कांस्टेबल अभिमन्यु तिवारी, रणजीत राम, जोगेंद्र प्रसाद शामिल रहे। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के राप्ती नदी में रविवार को नाव पलटने से दो व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को बड़हलगंज में नाव पलटने से दो व्यक्तियों की डूबकर मौत हो गई, जबकि लोगों को बार बार समझाया गया है कि लोग छोटी नाव से जा रहे हैं, इसलिए कोई भी नागरिक नदी में ना जाए। बाढ़ में डूबे हुए व्यक्तियों के परिजनों को जिला प्रशासन के द्वारा 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जा रहा है, शाम तक उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं, प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। बड़े दुख की बात है कि बार बार सूचना देने के बावजूद लोग नदियों में प्रवेश कर जा रहे हैं, छोटी नावों से प्रवेश कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि अगले 3-4 दिन तक लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता रहेगा और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। गोला क्षेत्र के बड़हलगंज क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई थी कल, उनका आज प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 लाख रुपए का राहत वितरण करा दिया गया है। सायंकाल तक उनके खाते में, जो गोरखपुर के हैं, सायंकाल तक उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और दूसरे व्यक्ति जो देवरिया के हैं, उनके वारिसान अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उनका चेक बन करके उनके पास चला जाएगा और जो उनके वारिसान होंगे उनको पैसा वितरित हो जाएगा। धन्यवाद। शाहपुर थाने की पुलिस ने दानपात्र से चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राधेश्याम यादव पुत्र ब्रज किशोर यादव निवासी धर्मपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा धीरज विश्वकर्मा पुत्र विश्वकर्मा निवासी शक्तिनगर कॉलोनी आरोग्य मंदिर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 1,565 रुपए नगद बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 14 अगस्त की रात्रि में अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखा दान पात्र एवं बैग, जिसमें धार्मिक पुस्तकें रखी थी, चुरा लिया था, जिसके संबंध में मां दुर्गा भवानी मंदिर के पुजारी द्वारा थाना शाहपुर पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में उक्त चोर दिखाई दे रहे थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कराई गई, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक पप्पू कुमार, कांस्टेबल चंदन सिंह, जितेंद्र कुमार, अरविंद यादव शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। सैफई स्थित उनके पैतृक आवास पर जाकर अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मंगलवार को सैफई में राजकीय सम्मान के साथ होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी भी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। जनपद के 154 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। राप्ती नदी व घाघरा नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री का करवाया जा रहा है वितरण। गांव में लोगों के आने जाने के लिए लगवाया गया है नावें। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। सपाइयों ने कहा, नेताजी के निधन से हम लोगों को लगा है सदमा, उनका जाना हम लोगों के लिए है बहुत बड़ी क्षति। घर में घुसकर मोबाइल व घड़ी चुराने वाले अभियुक्त वीरू उर्फ शेरू निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का मोबाइल व घड़ी किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को बढ़लगंज थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में नाव पलटने से दो व्यक्तियों की डूबने से हुई मौत। जिला प्रशासन मृतक दोनों व्यक्तियों के परिजनों को उपलब्ध करवा रहा है 4 लाख की सहायता राशि। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। दान पात्र की चोरी करने वाले दो अभियुक्तों राधेश्याम यादव व धीरज विश्वकर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,565 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा कि यह देश की है बहुत बड़ी क्षति। नए युवा नेताओं को स्वर्गीय मुलायम सिंह के कार्यों से लेना चाहिए सीख। अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्त दीपू पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देसी शराब व 400 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय गोष्ठी का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने कहा, हमारे सामाजिक संबंधों के टूटने की वजह से हो रही है मानसिक बीमारियां, मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए करना चाहिए व्यायाम। और जनपद में लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से नदी में न जाने की अपील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि यह देश की क्षति है। मुलायम सिंह यादव एक कार्यकर्ता से नेता बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और देश के रक्षा मंत्री बने। वह अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते थे, उनकी हमेशा चिंता करते थे। अब के राजनीतिक नेताओं को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वह जनता के हित के लिए कार्य करते थे, समाज के हित के लिए कार्य करते थे और वह खुले में जीने के आदि थे। यह देश की बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा विधानसभा और लोकसभा में मिलते थे और हमेशा सभी पक्ष और विपक्ष का सम्मान करते थे। उनका काम करने का तरीका बहुत अलग था। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से सीख लेनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, यह अत्यंत पूर्ण क्षति है और मैं मन करके चलता हूं कि मुलायम सिंह जी एक जमीनी कार्यकर्ता से फिर नेता बने, मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन को कभी अपने जेहन से भूलने नहीं दिया। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को भी वो ख्याल करते थे, उसकी हमेशा चिंता करते थे। तब और के राजनीति को आज जो लोग जा रहे हैं धीरे धीरे कर करके, नए नए लोग, नए विधायक हो रहे हैं, नए सांसद हो रहे हैं, उनको भी उनके उजीवन से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वह जनता के हित के लिए कार्य करते थे, समाज के हित के लिए कार्य करते थे और व्यक्तिगत जीवन को भी वह खुले में जीने के आदि थे। आज वो नहीं है, अपूर्ण क्षति हुई है, जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है, यह मैं मान करके चलता हूँ। मेरा तो हाँ ये सही है कि कई बार मुलाकात हुई थी, तब वो ये नहीं देखते थे मुख्यमंत्री रहते हुए कि यह विपक्ष के हैं, तब वो ये देखते थे कि एक विधायक है, तब वो ये देखते थे कि जब हम संसद में गए तो वो विपक्ष में थे, मैं राजनीति था तो भी उन्होंने पीठ थपथपाया। तो उनका काम करने का और कराने का तरीका अलग अलग हुआ करता था और आशीर्वाद भी हम लोगों को देते थे। वह स्नेह और आशीर्वाद आज सभी लोगों को, जो लोग काम करने वाले हैं उनको देना चाहिए।
कैंट थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दीपू पासवान पुत्र स्वर्गीय सोविंद पासवान निवासी शिवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब 400 ग्राम यूरिया को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त दीपू पासवान पूछने पर बता रहा है कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कच्ची शराब को शहर में ले जाकर राहगीरों को बेचता हूं। आज भी मैं शहर में कच्ची शराब बेचने के लिए ले जाने वाला था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त से यूरिया के विषय में पूछा गया तो बता रहा है कि यह मैं कच्ची शराब में मिलाकर बेचता हूँ, जिससे शराब की तीव्रता बढ़ जाती है। पीने वाले इस अपमिश्रित शराब को बड़े चाव से पीते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा यूरिया इस पीपिया में भी मिलाया है, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अंजनी कुमार यादव, कांस्टेबल वैभव कुमार श्रीवास्तव, राकेश सिंह, अंकित कुमार शामिल रहे। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर ज्ञान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर ज्ञान सिंह ने मानसिक बीमारियों पर कहा कि मानसिक बीमारियां हमारे सामाजिक संबंधों के टूटने की वजह से हो रही है। हमें सामाजिक संबंधों की प्राथमिक प्रयोगशाला परिवार की संरचना पर विशेष ध्यान देना होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं, अतः व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में जहां वह असफल है एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। यदि वैकल्पिक दृष्टिकोण ज्यादा सकारात्मक है तो व्यक्ति अपनी निराशा से बाहर आने में सक्षम होगा। यदि हम अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा, और उस स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम सहित अन्य माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर निधि राय, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा, डॉक्टर संजय त्रिपाठी सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, अतिथियों से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का विद्यार्थियों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है, उनकी जो उपचार पद्धति है, थोड़ा सा थोड़ी सी ही जानकारी सही, पर इन सभी विषयों पर अगर लेकर जाएंगे तो वे स्वयं तो सशक्त होंगे ही, अपने सशक्तिकरण के द्वारा, अपने जैसा कि शायद जी ने कहा अभी कि नॉलेज इज पावर, तो आप थोड़ा सा एम्पावर्ड होके जब जाएंगे तो आप कुछ अन्य लोगों के जीवन में भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उनके समाधान के लिए अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, समाधान के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं, और एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस योगदान को करके आप आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
वैश्विक स्तर पर हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। पूरे विश्व में लगभग 10% लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव वे कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, नकारात्मक पक्ष ये है कि ये सभी लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान जो अनुभव कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का, वो स्वयं या दूसरों के द्वारा उपचार के जो का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अनअवेयरनेस के कारण, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के कारण, डर के कारण, या जैसा कि सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है अनअवेयरनेस के कारण, वो उपचार के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर उपचार चाहते भी हैं तो कई बार संसाधनों की कमी के कारण उनको उपचार नहीं मिल पा रहा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस निमित्त जो है आज महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के तरफ से 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका पहला दिन आज है। आज 3 बड़े कॉलेजों के पूर्व विभागाध्यक्ष, जिसमें स्वामी सहजानंद गाजीपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान प्रोफेसर ज्ञान सिंह जी, सेंट एंड्रयूज कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान डॉक्टर सुशील तिवारी जी, और इसी महाविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शीला सिंह जी हमारे यहाँ जो है मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन कारणों के बारे में और उपचार के बारे में उनको बताना जिसकी किन परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। आज वैश्विक स्तर पर इसे मनाया जा रहा है और अपना महाविद्यालय इस सेमिनार के माध्यम से आज के इस अवसर को याद कर रहा है। जनपद में लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती व सरयू नदी लंबी दूरी तय करती है, दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अभी लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, मेरा जनपद के सभी नागरिकों से अपील है कि इस समय नदी में अनावश्यक ना जाएं, अगर जाना भी है तो उचित संसाधन की व्यवस्था करके जाएं। नदी में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए नदी में स्नान भी ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा,
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती सरयू दोनों ही लंबी दूरी तय करती हैं, बड़ा क्षेत्र है इनका। दोनों नदियाँ डेंजर लेवल के ऊपर चल रही हैं। अभी भी नदी का जो राइजिंग ट्रेंड है, अर्थात नदी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से, सभी ग्रामीण भाइयों से, कि इस समय नदी में अनावश्यक ना जाएं। कितनी भी आवश्यकता हो तो ये ज़रूर देख लें कि वो किन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि यदि कोई ऐसी आवश्यकता हो तो अपने पूरे बचाव के तरीके इस्तेमाल करते हुए ही नदी में प्रवेश करें। पहला तो अनुरोध यही है कि वो नदी में प्रवेश ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। सैफई स्थित उनके पैतृक आवास पर जाकर अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मंगलवार को सैफई में राजकीय सम्मान के साथ होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी भी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। जनपद के 154 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। राप्ती नदी व घाघरा नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री का करवाया जा रहा है वितरण। गांव में लोगों के आने जाने के लिए लगवाया गया है नावें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। सपाइयों ने कहा, नेताजी के निधन से हम लोगों को लगा है सदमा। उनका जाना हम लोगों के लिए है बहुत बड़ी क्षति। घर में घुसकर मोबाइल व घड़ी चुराने वाले अभियुक्त वीरू उर्फ शेरू निषाद को कैंट थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का मोबाइल व घड़ी किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को बड़हलगंज थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में नाव पलटने से 2 व्यक्तियों की डूबने से हुई मौत। जिला प्रशासन मृतक दोनों व्यक्तियों के परिजनों को उपलब्ध करवा रहा है 4 लाख की सहायता राशि। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। दान पात्र की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों राधेश्याम यादव व धीरज विश्वकर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,565 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा कि यह देश की है बहुत बड़ी क्षति। नए युवा नेताओं को स्वर्गीय मुलायम सिंह के कार्यों से लेना चाहिए सीख। अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्त दीपू पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब व 400 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय गोष्ठी का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने कहा, हमारे सामाजिक संबंधों के टूटने की वजह से हो रही है मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए करना चाहिए व्यायाम। और जनपद में लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से नदी में न जाने की अपील। अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।